सभी को नमस्कार। मैं आज आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, इतनी वैल्यूबल जानकारी है कि जिसको आप फालतू समझकर फल फल को खा लेते हो और पत्ते को फेंक देते हो, उन पत्तों का करिश्मा ही चमत्कार, उन फालतू फेंकने वाले पत्तों का फायदा इतना बेहतरीन, इतना गुणवान, इतना चमत्कारी, आपने सोचा भी नहीं था, वो बेहतरीन आपको जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। और उन पत्तों से आजकल सौंदर्य प्रसाधन के स्क्रब है, फेस वॉश है, दुनिया भर की कंपनियां उनका उपयोग करके इनके लिए काम ले रही है। तो क्यों ना आप उस नेचुरल जो रॉ मटेरियल है, जो एकदम कुदरती है, 100% प्योर है, उस प्योर से उस पत्तों का उपयोग कर आपकी जितनी भी शरीर एलर्जी है, जड़ मूल से एलर्जी, पुरानी से पुरानी हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे स्किन की हो, चाहे आपको सांस की संबंधित है, कफ है, बलगम है, सर्दी है, उन सारी से संबंधित स्टंकी अगर एलर्जी हो रखी है, तो सारी एलर्जी को जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए ये पत्ते बेहतरीन काम करते हैं, जिनको आपने फालतू समझा है। ये बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। ऐसी नित नई जानकारी के लिए, बेहतरीन उपयोग के लिए, सारे नवागंतुकों से मैं करवत निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे फैमिली बन जाए, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको भी समय समय पर मिलती रहे। अमरूद के फलों की गुणवत्ता तो आपको मालूम है खाने के लिए, लेकिन उसके पत्ते इतने गुणकारी है कि अमरूद से कई गुना ज़्यादा इसकी क्षमता है, लेकिन अब तक जानकारी कम है। पुराने लोगों को थी, उसका उपयोग भी करते थे, हर घर में उपयोग भी होता था, लेकिन भूल होने से वो भूल मैं आपको वापस याद दिलाने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो उन पत्तों का कैसे उपयोग करना है, आपको तीन एक पत्ते ले लीजिए, तीन पत्तों को थोड़ा तोड़ तोड़ा मेरी साफ सफाई कर करा के बेहद धो दीजिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके और एक जार में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा 20-1 ग्राम पानी डाल दीजिए और ग्राइंड कर दीजिए। वो जो पेस्ट बनता है, उस पेस्ट को अगर छान के काम में लें तो कोई दिक्कत नहीं, बिना छाने लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट वो का वही। और आपकी चर्म का, त्वचा का, किसी भी ढंग का एलर्जी है, पुरानी से पुरानी है, बहुत सी दवाई ले चुके हैं ठीक नहीं हुआ, और इतनी खतरनाक अगर आपके चर्म विकार है, वहाँ पर भी आप इसको दिन में 3 बार लगा लीजिए और 3-4 दिनों में ही आपको या तो पूरी जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, नहीं हुई है तो कुछ समय और लगा दिए कि जड़ मूल से ये नष्ट कर देगी उसको, इतना बेहतरीन इसके रिजल्ट है। आपके चेहरे पर मुहासे हैं, कील है, फोड़े हैं, फुंसी है, झुर्रियाँ हो गई है, जवानी के अंदर आपकी जो त्वचा है वो सारी बुढ़े लोगों की तरह, बुजुर्गों की तरह त्वचा होने लगी है, क्योंकि बुढ़ापे का संकेत सबसे ज़्यादा त्वचा से मालूम पड़ता है। और ऐसे आजकल 50% से ज़्यादा जवानों में ये समस्या देखने के मिली, उनकी चमड़ी को देखिए और लटकती हुई चमड़ी और अलग ढंग की चमड़ी हो जाती है, जैसे लग रहा है कि इसने उम्र ज़्यादा पाली हो। वो सारी समस्या जड़ मूल से ख़त्म कर देता है ये नुस्खा। कैसे, वो जो आपने पेस्ट बनाया उसका भी लगा दीजिए और वो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, अगर मान लो कहीं एक जगह हो जब तो वो ज़्यादा काम करेगा, और पूरे शरीर में लगाना है, 20-25 पत्ते ले लीजिए, 2-1 लीटर पानी ले लीजिए और उसको बेहतरीन उबाल दीजिए उन पत्तों को, और फिर दूसरा पानी और मिला दीजिए और गुनगुना हो जाए, ताकि इस पत्तों में दुनिया भर के गुण हैं, एंटीबैक्टीरियल है, और भी इनमें दुनिया भर के विटामिन भरे हुए पड़े हैं, विटामिन ए है, सी है, विटामिन के है, कार्बोहाइड्रेट है, और तो इन गुणों का वो सारे प्रॉपर्टी उस पानी में आ गई। अब उस पानी का आप स्नान करने के लिए काम में ले लीजिए, आप हमेशा की तरह जैसे स्नान करते हैं वो स्नान कर लीजिए साबुन वाबुन से, फिर लास्ट में इस पानी से आप स्नान करिए, फिर वापस स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 दिन तक ये ऐसा स्नान करते हो तो आपकी त्वचा का ग्लो आप देख लेना, आपकी त्वचा की चमक देख लेना। हकीकत में क्या होता है कि जो रोम छिद्र है, बालों के जो छिद्र होते हैं, उन वो ज़्यादा ढीले होने लग जाते हैं, ज़्यादा बड़े होने लग जाते हैं, तो बुढ़ापा झलकने लग जाता है। ये रोम छिद्रों को कसआउट में लेकर आ जाता है, उसको छोटा पकड़ देता है, इतनी ज़बरदस्त क्षमता है, डेड सेल है उसको क्लीन कर देता है, तो डेड सेल नहीं रहेंगे, बुढ़ापे की झलक नहीं आएगी, रोम छिद्र है छोटे हो जाएंगे तो जवानों की तरह चमड़ी रहेगी। आप देखिए बच्चों की एकदम जवान चमड़ी कितनी मस्त होती है, क्यों, कि रोम छिद्र नहीं के बराबर दिखते ही नहीं है। जितने रोम छिद्र बड़े होंगे बुढ़ापा ज़्यादा दिखेगा। कितने भी दाग धब्बे मुहासे की और चेहरे पे जहियाँ पड़ गई है और साथ साथ ये झुर्रियाँ हो गई है, तो झुर्रियाँ अगर हो गई है वो अंतिम स्टेज मान लीजिए आप सबसे चेहरा खराब करने के लिए, वो झुर्रियाँ को भी रिकवर करके एकदम आपकी चेहरे को चमका देता है, ये प्रयोगशुदा है। और सारी कंपनियां इसलिए तो इस पत्ते का ज्यादा से उपयोग करके, कई स्क्रब बना रही है, कई फेस वॉश बना रही है, कई कंपनियां कुछ कर रही है, सौंदर्य प्रसाधन के एक से एक आइटम इन पत्तों का उपयोग कर इनकी गुणवत्ता का लाभ लेकर और बाजार में बेचा जा रहा है। पर बनिस्बत आप इसका नेचुरल फायदा ले लीजिए सीधा, बहुत बेहतरीन फायदा है इसके, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप कंटिन्यू 10-15 दिन स्नान कर लीजिए, फिर देखिए आपके पूरी पूरी त्वचा जो है वो परिवर्तन हो जाएगी, पूरी पूरी त्वचा आपकी जवान लगने लग जाएगी। लेकिन साथ साथ आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी त्वचा कोमल, नरम, मुलायम, एकदम जबरदस्त हो जाएगी। आप हाथ लगाओगे तो मालूम पड़ेगा कि इतनी नरम त्वचा कैसे होगी। ये सारी जो कर्तव्य है
इस करिश्माई पत्तों का है। वेदाचार्य से जब इस बारे में चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि हकीकत में ये जो अमरूद के पत्ते हैं एलर्जी के लिए, बालों के लिए और चेहरे के लिए तो वरदान है एक मनुष्य के लिए, इतना बेहतरीन इसके रिजल्ट।